ये अगला दिन और ये हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो भाई दोस्त आदित्य वो आ जाए हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तीसरा मेंबर, और हम उनको लेने जा रहे हैं। ये अरदुल चलते हैं, मिलते हैं इनसे, लेते हैं इनको। ये आदित्य कहाँ है भैया? सही, फटाफट नहाना धोना करके। और ये हम लोग आ गए हैं रूम से निकल के, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये लेक, इतनी सारी मछलियाँ, डक, ये दिन का नज़ारा मॉल रोड का। मौसम आज बहुत ही साफ है, एकदम धूप है, अभी तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए नैना देवी में, और दर्शन करते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे हो रहा है मैच। अरे हमारा दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही सुकून। आप भी आओ, आप भी दर्शन करो यहाँ सब लोग। ये अपना पराठा है आलू का, और ये पनीर, पनीर पराठा के साथ। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले, जिसमें आलू का पराठा था और पनीर का था। बस बढ़िया नाश्ता हो गया सुबह का, बस चलते हैं और स्कूटी लेते हैं और घूमते चल के। तो हम लोग निकल लिए वापस से स्कूटी लेके, वही सेम स्कूटी कल वाली। और आज दो स्कूटी हैं, मैं अकेले हूँ और उसके आदित्य और अतुल भाई। और ये मॉल रोड, यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे वही हाईकोर्ट वाली रोड, और वहाँ से देखेंगे सारे व्यू पॉइंट जितने भी नए डाले हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी वही सारे व्यू। कोतवाली है ये मल्ली ताल, वो ये मल्ली ताल जहाँ हम रुके वो तल्ली ताल, और ये बीच में नैनीताल, सारे ताल ही हैं इधर उधर। और ये मस्जिद, और ये यहाँ का हाई कोर्ट गेट नंबर 5, 6, 6 गेट है शायद, और बहुत ही बेहतरीन बना है, कितना ग्रीनरी है, बहुत अच्छा, छोटा सा है, बहुत प्यारा है। एकदम सीधी चढ़ाई जो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और ये लेफ्ट में मनु महारानी, टिकट इको पार्क की, इको केव पार्क। अरे कुछ ऐसा है, अरे चढ़ाई, यहाँ पे अपनी टिकट चेक। वे टू केव्स, जिप लाइनर, शेर दहाड़ रहा है भाई आगे, ये टाइगर के। भाई ये भाई केव्स के अंदर, वहाँ पर एक भी पहाड़ किसका, और ख़त्म खेल। ये पहाड़ों के बीच में, ओ भाई रुको दिखाता हूँ, आओ, अलग ही लेवल का एडवेंचर है भाई। ये पहाड़ों के बीच में बनाया है, कैसे कैसे आए, भाई साहब ये पैंथर केव, ये तो कुछ और ही खतरनाक है, पता नहीं यहाँ से कैसे निकलेंगे। और ये एग्जिट है, निकल चलते हैं बाहर, गवर्नमेंट का है कुछ
शायद कैफे या कुछ है खाने आने का। और ये हम लोग चल पड़े आगे, ये बुल राइड जो कि अभी बंद है। और ये जिप लाइनर ऊपर से आते हैं, बट इसके लिए भी टिकट होगी। और ये अच्छा, ये साइकिलिंग भी है यहाँ। पॉकी पॉइंट की शिट, ये देखो भाई कितना पतला है, अभी दिखाते हैं। हत्तू ला रहे हैं यहाँ से। और ये आगे जंगलों में है, ये देखो भाई। और ये आदित आगे जा रहा है, कैसे कैसे निकल रहे भाई, ये निकल भी नहीं पाएंगे ऐसे तो। भाई साहब यहाँ पानी पानी है, और ये गुफाएं गजब। ओ भाई यहाँ बिना बैठे तो नहीं निकल सकते। और ओहो ये एडवेंचर हो रहा है। नाइस नाइस नाइस, आओ बैट केव। इसके अंदर तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही भाई, हमारे आकाश भाई होते जरूर जाते, नहीं जा सकते इसके अंदर उतना ही जितना वहां झुकना पड़ा था, पर यहां थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा है भाई, ज्यादा पतला है भाई। आगे यहां ही वाला तो ठीक है, आगे हो रहा है, आगे और पतला है गाइस। जाओगे तुल यार? जाएगा गौतम? जाएगा तो जा रहे गौतम, सही में जा रहा है। और क्या, मैं तो निकल आया हूँ, अब ये लोग आ रहे हैं। बहुत ही लेट लूट के निकले हैं। ओ भाई अतुल भी आ रहा है, ये बात क्या बात है भाई, ये चीज लेटना पड़ रहा है, सस्ता मेडिकल मिलना पड़ रहा है। क्या चमगादड़ खाए कि नहीं? हाँ भाई बहुत। अतुल भाई और आगे जाने की कोशिश कर रहे थे पर नाकाम कोशिश। निकल तो जाएंगे उधर से। रहन चिल्ला कर रहे अतुल, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, वापस आओ। और यहाँ पे शायद किड्स जोन है, बच्चों के झूले वगैरह। घूमना हो गया इको केव पार्क का, अब निकलते हैं दूसरी जगह। ये अपनी स्कूटी और वो अतुल दूसरी स्कूटी पे जा रहा है, दो स्कूटी हैं आज क्योंकि हम तीन लोग ये जा रहे हैं। ये शायद बारह पत्थर जगह है, और यहाँ ऊपर लास्ट टाइम भी आया था मैं, तब गया था वहाँ पे। जब खड़े होते हैं ना वहाँ पे, तो अंदर पहाड़ के अंदर से पता नहीं कहाँ से हवा आती, और इतनी ठंडी, मतलब बहुत ठंडी हवा। तो ये लोग जा रहे हैं, फिर आते हैं तो देखते हैं, इनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे कैसा लगा ये इनको। मैं गया था तो मुझे बड़ा मज़ा आया था यार पिछली बार, तो इस बार भीड़ ज़्यादा नहीं जा रहा, ये लोग हुए हैं। ये दोनों पहुँच गए, ये आ गए हम लोग ऊपर। यहाँ से मैंगो शेप में दिख रही है लेक, और पे इको पॉइंट है। हेलो, घूमने भाई यहाँ से व्यू पॉइंट है हिमालयन रेंज का, सामने दिखती है। लास्ट टाइम आए थे तो दिखा था दिसंबर में, अभी इस मौसम में नहीं दिख रहा है, क्या करें। और अब भूख लगी तो स्लाइस ली है, और बाकी मैगी बन रही है अपनी, आती दिखाते हैं। बस ये देख नहीं पाया यार, ये अच्छा नहीं था। बाकी इधर गन वगैरह है, शूटिंग करना है नॉर्मल। छोले भटूरे इस व्यू के साथ खा दो। ये छोले भटूरे बहुत बढ़िया थे, अब ये अपनी मैगी ये ट्राई करते हैं, ये बहुत बढ़िया था यार, मैगी से बहुत अच्छा था। मैगी वगैरह खा के हो गया, अब यहाँ से वापस चलते हैं इधर। चलो ठीक है, अब यार फिर से ढलान आएगी, जो अभी हम चढ़े थे अब वही उतरना है।
तो संभाल के उतारना पड़ेगा, थोड़ा मज़ा आएगा उसमें भी, देखते हैं। बहुत धीमे धीमे चलाना है, एकदम बैलेंस करके। लवर्स पॉइंट यहाँ का, यहाँ से नीचे जाना है, लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पे। चलते हैं फिर यार अपने तो भाई, आओ आओ कुछ हैं अतुल और अब्दुल भाई, ये आ गए। सही होता, इसको लवर्स पॉइंट भी कहते हैं और सुसाइड पॉइंट दोनों। इसको कूदना है भाई, यहाँ से कूद जाए। ये व्यू है और ये धूप। भागे जा रहे भाई, कहाँ भागे जा रहा है? चलो घोड़े बैठना, आप बिठा दे घोड़े घोड़े पे। ये वही ताल है जो दिन में रंग बदलता रहता है, और शायद मौसम के हिसाब से भी, जहाँ तक जो भी बता रहे थे ऐसा ही है। और व्यू बहुत अच्छा है। तीन चाय आ गई यहाँ से, और कुछ ये व्यू के साथ मज़ा आएगा भाई। जो हवा चल रही है, चाय और ठंडी हवाएं, गजब। चाय के बाद अब हमने लिए हैं मोमोज, आदत, खा के देखो कैसा है। खाओ तुम तो भाई, पूरा टेस्ट करो, चटनी लगाओ। कैसा है? मज़ेदार। चलो खाते हैं फिर, हैं? चटनी बढ़िया है, चलो खाते हैं। यहाँ से लिया है 80 रुपये का वेज, जिसमें दो चार छः आठ पीस है। अच्छे नागरिक की तरह कूड़ा ना फैलाते हुए, कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में डालेंगे। चलते हैं नीचे अब यहाँ से वापस, क्योंकि वाटरफॉल जाने का कोई फ़ायदा नहीं, बंद हो गया होगा। आज के जितने पॉइंट से ये ख़त्म करते हैं, अब वापस चलते हैं मॉल रोड और देखते हैं वहाँ क्या है। लोग निकले, अब मॉल रोड जा रहे हैं, वहाँ से घूम के आए थे एक घंटे के लिए आराम के लिए, आधा घंटा। और ये देखो हरे बाबू, ये लाल बाबू। हेलो, सही हो ब्रो? ठंडी लग रही क्या आज 16 डिग्री है, लेकिन ये 16 डिग्री दिखा रहा है भाई, इतना ठंड है ना, ये 4 या 5 होगा। बहुत ठंड है आज, मतलब कहाँ पर है, एकदम अंदर पूरी ठंड है। सुबह इसी रोड का व्यू दिखाया था, और अब ये रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये शेर पंजाब रेस्टोरेंट, आज यहीं डिनर करेंगे। और ये इधर पे लेक, बहुत ही खूबसूरत, और आज ठंडी है। हाँ भाई, आज ठंडी लग भी रही है, आज थोड़ी ज़्यादा है कल से, जबकि आज धूप भी बहुत अच्छी हुई थी, ज़रा से भी बादल नहीं थे, और उसी हिसाब से आज ठंडी भी उतनी तेज़ है। कल उतनी ठंड नहीं थी, जबकि कल बादल थे, पर आज ठंड बहुत है। यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क, और यहाँ से होगी पैदल यात्रा, है ना भाई? हाँ, पैदल यात्रा भाई। और देखते हैं क्या मिलता है खाने को। खाना अभी नहीं खाएंगे, खाना तो रात में खाएंगे। यहाँ पे प्यारा सा कैफे, जहाँ पे पेस्ट्री वगैरह भी हैं, और ये द चॉकलेट रूम, अच्छी अच्छी बेकरी और रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इसका अगर अर्थ समझ में आए तो भाई मुझे बताना, पता नहीं क्या नाम रखा है। लग रहा अतुल भाई को ठंडी लग रही, जैकेट डाल ली इनने। और ये देखो भाई साहब ड्राइविंग, यहाँ नाइस, बहुत बढ़िया भाई। और लास्ट टाइम आया था तो ये वाले होटल में रुका था, होटल एस्टोरिया, विला एस्टोरिया। और ये जस्ट नैनीताल लेक के सामने है, और ये अभी नो एंट्री मॉल रोड पे,
6 से 8 इधर कोई गाड़ी नहीं जाएगी, इसको जाना है घूम के इधर से जाए। और ये कुछ मॉल रोड रात में बहुत ही लाइटनिंग सा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह हमने नाश्ता यहाँ किया था, पराठे अच्छे थे, और अभी यहाँ पे नॉनवेज वगैरह भी मिल रहा है। ये अपना चिकन मोमो आ चुका है, उठाओ खाओ देखो कैसा, ट्राई करो। कैसा किलोमीटर है? 8 बजा और मॉल रोड का वन वे ख़त्म। अभी मॉल रोड पे वन वे ख़त्म हो गया, करेक्ट 8 बजते ही, जैसे ही 8 बजा वैसे ही ख़त्म हुआ। चल ये सब एकदम टाइम से। ये हम लोग मॉल रोड छोड़ के अभी ये अंदर की साइड आए हैं, जिधर ये स्टेडियम है इसके पीछे साइड। और यहाँ पे भी कई सारी शॉप्स हैं जो खाने आने के लिए हैं बढ़िया, और मॉल रोड से हट के खाने के लिए भी शॉपिंग के लिए भी हैं। मॉल रोड तो नाम के लिए है, वहाँ तो सब कुछ महंगा होता है, बट यहाँ शायद सस्ता है, देखते हैं यहाँ चल के क्या है। स्पोर्ट्स शॉप, और ये देखिए यार क्या गली है ये तो एकदम, यहाँ कोई बहुत ही रेयर मुझे लगता नहीं आते होंगे लोग, बहुत सुंदर है। लोग थोड़ा लेट हैं, सब बंद हो रहा है धीरे धीरे, बट फिर भी मैक्सिमम दुकानें खुली हैं। बाल्टी ले लो बैतुल नहाने ली। ये आ गए हम शेर पंजाब में, ये हमारे बड़े भैया रिकमेंड करे थे यहाँ खाने के लिए, चलो देखते हैं कैसा टेस्ट है का, इंटीरियर अच्छा है। ये अपनी थालियाँ आ गई हैं, और ये सलाद, धोनी भी आ गया, और ये धोनी भाई भी आ गए हैं, क्या बात है। और ये इंटीरियर देखिए मस्त है, और ये धोनी भाई की बैटिंग के साथ और ये व्यू के साथ अपना डिनर होगा। ये आ गया अपना तवा चिकन, नहीं ये है तो, जो बहुत ही टेम्पटिंग है। ये भी पीस है, और ये अपना तवा नहीं, ये अपना मटन, मटन फुली है भाई, रोटी बस यही है। और ये अपनी पहली बाइट, खाना अपना, इनको देखो मुट्ठी भरी ना, क्या है भाई चीमड़ आदमी, ये मुट्ठी भरी ना, देखा मुट्ठी कितनी है, देखो देखो भाई। खाना इनका बहुत बढ़िया था, चिकन खासकर चिकन बहुत अच्छा। अब हम जा रहे हैं रूम, अब आराम करेंगे आज, और इसी के साथ ही दूसरा पार्ट भी ख़त्म होता है नैनीताल का, जो कि आज हमने सिर्फ साइट सीइंग वगैरह करी, और काफ़ी मज़ा आया, 2-3 जगह छूट भी गई, वो कोई नहीं फिर कभी कवर करेंगे। और लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिन था आज, बहुत ही मज़ा आई, जहाँ भी गए वहाँ बहुत मज़ा आई। तो बस यही था आज का, और अब जाके बस सीधा आराम होगा। भैया आज ये नेक्स्ट डे है, और फ्यूल भरा लिया है, और कल भाई मैं व्लॉग एंड कर रहा था रात में, और मेरी स्टोरेज ही फुल हो गई, मैंने सारा कुछ बोला, सब रिकॉर्ड किया लास्ट एंड पार्ट, पर वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो उसके लिए आज दोबारा से कल वाला व्लॉग आज सुबह एंड करना पड़ रहा है। और ये कुछ व्यू है आज सुबह का, बहुत ही सनी है, मतलब शाम को फिर ठंड होगी जाहिर सी बात है। और आज जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बेस्ट, और उसका व्लॉग आएगा, वो देखना, वो मज़ेदार होगा, वो अलग है। तो बाय, फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छे और शानदार व्लॉग में जो अगला होगा। चलो चलते हैं हम यहाँ से।